हेलो फ्रेंड्स, हॉट एंड शॉर्ट चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं मंजू आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेवई का एक बहुत ही अच्छा सा नाश्ता, सेवई उपमा, जो कि आप सुबह या शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर आसानी से दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, काफ़ी देर जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद भी ऐसे ही खिले खिले बने रहते हैं। अगर जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही खिले खिले और बिना चिपचिपे एकदम ये बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है ये रोस्टेड सेवैयाँ हैं, वर्मीसेली भी इसको बोलते हैं, और इसको ये ऑलरेडी रोस्टेड है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अच्छे से फ्लेवर के लिए इसको घी में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि जो हम आगे इसको बॉईल करेंगे तो ये स्टिकी ना हो इसके लिए। तो मैंने एक पैन गर्म किया है और उसमें मैं 1/4 चम्मच घी डाल देती हूँ। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी जो आप यूज़ करना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन घी से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सेवैयों को और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे। और ध्यान रहे कि हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, ये सेम इसी कलर में होना चाहिए। बस ये हल्की सी खुशबू आने लगेगी और हमें पता चल जाएगा कि ये बन गया है। तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं। और फिर सेम पैन में मैंने 1 कटोरी सेवई ली थी तो 2 कटोरी पानी लेंगे और इसको गरम कर लेंगे। और गरम करने के बाद जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने सेवइयों को जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच, और उसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। नमक रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नमक डाल लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ। और उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लेंगे और बस उतने ही देर में ये फुल अच्छे से कुक हो जाएगा। और देखिए, अच्छे से एकदम ये तो कुक हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं करना है कि हम इसको 80% या 90% कुक करें, फुल्ली 100% अच्छे से कुक कर लें। और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करके बाहर निकाल लेंगे। तो गैस बंद कर देते हैं और इसको हम छान लेते हैं। तो छानने के लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर एक जाली वाली जो है ले ली है छन्नी, और उसी में हम इसको थोड़ी सावधानी से छान लेंगे। ये हमने छान लिया है और देखिए अभी हमारा जो है ये पूरी तरह से जो सेवई है वो गर्म है, मीन्स इसका अभी कुकिंग प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे तो ओवर कुक हो जाएगा और उसके बाद से चिपचिपा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे तुरंत ठंडा या नॉर्मल पानी इसको डाल देंगे, इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन कर देंगे और ये हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसको साइड पर रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में एक पैन गर्म कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने। इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से चटक जाने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने 1 मिर्च डाली हुई है, और 1 चम्मच कटा हुआ अदरक डालेंगे, साथ ही 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चना दाल, तो मैंने 1 चम्मच चना दाल डाला है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसी के साथ हम यहाँ पर मूंगफली डालेंगे और उसको भी साथ में ही रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, आप यहाँ पे चाहें तो काजू वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। और इसको भी हम अच्छे से चटक जाने तक भून लेंगे। देखिए, मूंगफली हमारी कुक हो चुकी है, इसमें चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ है ये मैंने डाला है। और यहाँ प्याज का हम अच्छे से भुनेंगे लेकिन इसका हम कलर नहीं चेंज होने देंगे, इसमें डार्क कलर नहीं आने देंगे। तो हम 2 मिनट चलाते हुए प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें फिर आगे सब्जियां डालेंगे। देखिए, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है गाजर,
बारीक कटा हुआ सब्जियां यहाँ पे जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो या फिर जितनी भी आप सब्जियां डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाला है मटर, और मैंने फ्रोज़न मटर है इसलिए मैंने डाला है। अगर आपके पास फ्रेश मटर हैं तो आप उनको पहले थोड़ा सा बॉयल कर लें उसके बाद डालें। और मैंने टमाटर डाला है, टमाटर जो है टोटली ऑप्शनल है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सब्जियाँ अच्छे से कुक हो जाएँ उसके लिए हम थोड़ा डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार, और उसके बाद इन सब्जियों को हम कुक होने देंगे। और ये सब्जियां जो हम इनको पूरा 100% कुक नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, क्रिस्पीपन होना चाहिए, क्रंचीनेस होनी चाहिए सब्जियों में, तो बस हम उतना इनको कुक करेंगे। 80-90% हम को सब्जियों को कुक कर लेंगे, और इसको हम ढक करके चलाते हुए सब्जियों को पकाएंगे। देखिए सब्जियां भी हमारी कुक हो गई हैं, उसके बाद हमने जो ये सेवई को छान के रखा हुआ था उसको भी डाल लेते हैं। और ये देखिए ठंडा होने के बाद भी सेवइयां बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, एकदम खिली खिली, एक एक इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सेवई को रोस्ट कर लेंगे घी में, और जब उसको पानी में बॉयल करके छानेंगे तो उसका कुकिंग प्रोसेस जब रोक दिया जाएगा तो वो इस तरह से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, एकदम खुला खुला रहेगा। बस ये हमारा रेडी हो गया है, इसको हम 2 मिनट हमने कुक कर लिया है। अब हम डालेंगे हरा धनिया, और लास्ट में हम थोड़ा सा डालेंगे फ्लेवर के लिए नींबू, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस बंद कर देंगे, और इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है और टेस्टी इतनी है कि अगर आपके बच्चे खाएंगे तो रोज़ इसको डिमांड करेंगे, यहाँ तक कि बच्चे मैगी खाना भी भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी लगती है। तो आई होप कि रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देकर मुझे बताएंगे कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी मिल लगी। तो चलिए हम एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।